हे गाइस, वेलकम टू चैनल आईटी ब्रेंस। सो गाइस, आईटीआई की जो एग्जामिनेशन है वो 13 दिसंबर को शेड्यूल की गई है और 13 दिसंबर से जो है आप लोग के एग्जामिनेशन शुरू हो रहे हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग प्रैक्टिकल। ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो है क्वेश्चंस आज हम लोग देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे आप लोग के एग्जामिनेशन में। तो आज गाइज हम लोग जो है क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकेंड ईयर। ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकेंड ईयर कौन सा ट्रेड का, तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का, वायरमैन ट्रेड या इलेक्ट्रो प्लैटर, इस तरह से सारा ट्रेड देख लिया यहाँ पे मेंशनड है। और ये क्वेश्चन जो है आए हुए ही है, क्वेश्चन टोटल 50 क्वेश्चन है और 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। तो गाइज ये जो है आप लोग का कोई जो एग्जामिनेशन का टाइमिंग 2:30 से जो एग्जामिनेशन है सेकंड ईयर का उनके लिए है। तो गाइज यहाँ पे चलिए हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस संभावित हैं, आपके क्वेश्चंस क्या क्या आएंगे, प्लस बात इसमें हम लोग पैटर्न का भी देख लेंगे क्या क्या पूछा जाता है, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, सारा का सॉल्यूशन भी हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे। तो गाइस चैनल पे नहीं होगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे आपको जो है आईटीआई की जितनी भी अपडेट आती है सारी दी जाती है। और आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप भी होगा मेरा, डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, और टेलीग्राम ग्रुप भी, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा जरूर। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 की शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में। यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, राइट द नेम ऑफ द सिंबल ऑफ द फॉलोइंग, इसमें टोटल 5 सिंबल पूछे गए थे, 2-2 मार्क्स करके था, जिसमें कि पहला सिंबल देख लीजिए ये है। ठीक है, यहाँ पे पहला सिंबल ये दिया गया है गाइस, तो इसका आपको नाम बताना था। ठीक है, ये क्या कहलाता है, तो अगर तो आप लोगों को ऐसे पता होगा कि पहला जो क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलता है वही कि या तो नेम दे दिया जाएगा। ठीक है, नेम दे दिया जाएगा जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, और उसका सिंबल बनाने के लिए बोला जाएगा। बट ये जो क्वेश्चन आया हुआ था इसी साल, क्वेश्चन ये पूछा गया 5 अप्रैल 2021 को, इसमें सिंबल दे दिया गया था, इसका नाम पूछा जा रहा था कि ये सिंबल भाई इसका नाम क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में तो यहाँ पे एक एक करके हम लोग जानते हैं। तो देखिए ये पहला है 1 का A क्या है, इस तरह से बना हुआ है यहाँ पे, है ना, इसका नाम क्या है भैया, इसका नाम है पुश बटन स्विच। ठीक है, क्या नाम है, पुश बटन स्विच, ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग चेक कर लीजिए आप लोग, कैपिटल अक्षर में लिखे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो बी है, ठीक है, बी सिंबल किस तरह का है देख लीजिए, कुछ इस तरह से सर्कल है। ठीक है, यहाँ एक लाइन डाला गया है, फिर यहाँ पे इस तरह करके निकला है। ठीक है, और यहाँ देखिए एरो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ई क्या है, ई जो है एरो हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए एरो कहाँ जा रहा है, बेस में जा रहा है, इसको हम लोग कहते हैं बी फॉर बेस, ये सी फॉर कलेक्टर और ई फॉर क्या होता है, इमीटर। तो ये कौन सा ट्रांजिस्टर का सिंबल है भाई, तो ये देखिए आपका है एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है, क्या है ये, एनपीएन ट्रांजिस्टर, समझ में आ गया, बी हो गया। सी नंबर देखिए, सी नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता रहता है, सी नंबर कुछ इस तरह का है यहाँ पे, और यहाँ देखिए जो है बनाया हुआ है डेल्टा फॉर्म में। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, यहाँ मैं आपको बड़ा कर देता हूँ ज्यादा आप लोग को समझ में आए। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इस बॉक्स को बना लिया है। यहाँ देखिए आप लोग का क्या है, ये हो गया डेल्टा। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग बना देते हैं क्या, स्टार बना देते हैं। तो इस तरह का जब आप लोग को सिंबल देखने को मिलेगा, ये पूरा कंप्लीट सिंबल किस चीज का है भाई, तो ये है आपका स्टार डेल्टा स्टार्टर। क्या है, स्टार डेल्टा स्टार्टर है गाइस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आंसर्स इसका नोट करते चलिए आप लोग। उसके बाद देखिए जो है डी नंबर, डी नंबर का देखिए क्या है, इस तरह से यहाँ पे एक स्क्वायर है, वर्गाकार है, और यहाँ से एक लाइन इसमें जाके इसमें सट के निकल गया है। ये क्या है डी नंबर, ये आपका होता है सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, ये आपके एग्जामिनेशन में जरूर देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए ई नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें क्या एक सर्किल है। ठीक है, यहाँ एम लिख दिया गया है और नीचे यहाँ डैश दे दिया गया है, ये क्या है सिंबल, ये हो गया आपका डीसी मोटर जनरल का। ठीक है, डीसी मोटर जनरल। तो होप गाइस कि ये आप लोग का 10 नंबर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, ऐसे में आप लोग को क्या हो जाएगा, फुल का फुल 10 नंबर मिल जाएगा पास करने का, कहीं कोई टेंशन नहीं है। आपको पता होना चाहिए, हर वीडियो बता भी देते हैं, 50 जो फुल मार्क्स है, 17 नंबर आपको लाना है किसी तरह से, तब पास आप इजीली कर जाइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अच्छा फर्स्ट ईयर का भी जो है क्लासेस चल रहे हैं, आप लोग जाकर के देख लीजिएगा, और फिटर का भी आ जाएगा कल। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सर्किट डायग्राम ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर यूजिंग 4 डायोड विथ मेजरिंग अरेंजमेंट्स यूजिंग SI सिंबल्स। SI सिंबल्स का यूज करते हुए आपको ब्रिज रेक्टिफायर बनाना है। क्या बनाना है, ब्रिज रेक्टिफायर 4 डायोड्स। ठीक है, 4 डायोड्स का यूज करें, दैट मींस क्या, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर बनाना पड़ेगा। हाफ वेव में यदि बोलता तो भी 2 जो है डायोड्स का इस्तेमाल किया जाता है तो हाफ हो जाता है, 4 का यूज किया जाएगा तो हो जाएगा फुल वेव रेक्टिफायर।
ठीक है। तो देखिए देख लीजिए गाइस, यहाँ दो नंबर का सॉल्यूशन है, आप लोग को इस तरह से सॉल्व करना है, सिंपल है। देखिए पहले यहाँ पे चलिए इसको मैं जूम करता हूँ, उसके बाद आप लोग को इसको अच्छे से इसके ऊपर ओवरराइट करके ही समझा देंगे कैसे कैसे आपको इसको बनाना होगा। तो गाइस यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, चलिए इंक भी थोड़ा इसका थोड़ा पतला कर ले ताकि आप लोग को समझ में बढ़िया से आएगा। देखिए सबसे पहले क्या करना है आप लोग को, ये होता है डायोड का सिंबल होता है, ठीक है। अब डायोड के अरेंजमेंट, ये हो गया डायोड का सिंबल। अभी तक जब मैं जितना मैं बनाया हूँ रेड कलर से जो बन रहा है, बस यही होता है डायोड का एक सिंबल होता है, ठीक है। इधर से ऐसे लगा दीजिए कि डायोड हो गया। अब देखिए ये डायोड्स को हम लोग इस तरह से लगाते हैं कि ये एक ब्रिज का फॉर्म हो जाता है, जिसमें कि देखिए एक ये ब्रिज, ये एक डायोड हो गया, एक डायोड को हम लोग यहाँ पे लगाएंगे इस तरह से, एक डायोड यहाँ लगाएंगे। देखिए पैटर्न देखिएगा, इसमें थोड़ा सा भी गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस तरह से लगाएंगे, ये डायोड्स को हमने वो अरेंज किया, मतलब इसका ये एंड जो है इसके इसके साथ कनेक्ट होगा, ठीक है, छोटे वाले के साथ। उसके बाद यहां देख लीजिए नेक्स्ट जो है ये वाला पार्ट इसके साथ कनेक्ट होगा, और फिर इसका ये वाला पार्ट इसके साथ कनेक्टेड हो जाएगा, समझ गया। देन क्या करना है गाइज, आप लोग को सबको मिला देना है यहाँ पे, ठीक है। ये क्या हो गया, आप लोग इसको कनेक्शन कर दिए सबको, ठीक है। लीजिए भाई हमने कनेक्शन इसको कर दिया। अब यहाँ पे देखिए करंट का डायरेक्शन दिखा रहा है इस तरह से, ये दिखाना आपको जरूरी है, इस तरह से दिखा जाएगा। आप लोग मेरे साथ साथ जो है कॉपी में प्रैक्टिस कीजिए अपना, ठीक है, रफ में ही जैसे मैं बना रहा हूँ आप लोग भी बनाइए, प्रैक्टिस होगा माइंड में बैठेगा, इस तरह सुनते रहिएगा सिर्फ तो काम नहीं बनने वाला है, ठीक है। और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, ऐसे इसका पीडीएफ भी हम लोग जो मैं हूँ दोनों जगह दे देता हूँ, व्हाट्सएप में भी दे देते हैं और टेलीग्राम में भी दे देते हैं, तो आप लोग वहां से लीजिएगा। अब देखिए यहाँ जो इसका एंड पार्ट है ना, इस एंड पार्ट को स्केल के माध्यम से आप लोग को क्या करना है, इस तरह से ड्रॉ कर लेना है यहाँ तक, ठीक है। ये वाले पार्ट को स्केल के माध्यम से यहाँ तक ड्रॉ कर लेना है। यहाँ एक फिल्टर लगा देना है जो कि कैपेसिटर है, ठीक है, इसके लिखे हैं स्मूथिंग कैपेसिटर, ठीक है, स्मूथिंग कैपेसिटर, सिर्फ कैपेसिटर भी लिखेगा कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ इसको मिला दिए, और ये वाला पार्ट क्या है आपका, लोड का पार्ट है, ठीक है, लोड पार्ट, जहाँ की ये क्या है, रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस क्या डिनोट करता है, आपका लोड डिनोट करता है, समझ गए। तो गाइज इस तरह से हमने जो है इसका जो आउटपुट सेक्शन है उसको कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, जहां की ये वाला पार्ट है प्लस भी, और ये हो जाएगा आपका माइनस भी, ये हो गया लोड और ये हो गया कैपेसिटर, समझ गया। अब देखिए इसको, इसमें जो इनपुट सप्लाई दीजिएगा, इस जगह से आप लोग को इनपुट देना है, और जो कि यहाँ क्या हो जाएगा, इनपुट सप्लाई आपका एसी हो जाएगा, ठीक है, एसी फॉर्म में। तो एसी का सिंबल आप लोग को पता है इस तरह से, ये आपका सिंबल वाला क्वेश्चन में भी आ सकता है, वन का ए वाले पार्ट में। तो इस तरह से गाइज आपका जो है ये कंप्लीट हो गया, और ये क्या है, ब्रिज रेक्टिफायर। हालांकि यहाँ पे कुछ आप लोग को जो है डायरेक्शंस दे देने होंगे करंट के, यहाँ पे यहाँ दे दीजिए, ये हो गया आपका प्लस हो गया, ये हो गया आपका माइनस हो गया, ठीक है। और दूसरी चीज है कि डायोड्स को नेम भी करना होगा, तो ये इसको लिख दीजिए D1, इसको लिख दीजिए D2, इसको लिख दीजिए D3, और इसको लिख दीजिए D4। बेहतर होगा कि आप लोग साथ साथ कॉपी में बनाइए मेरे, तो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। देखिए अब यहाँ डी क्या है भाई, हम जो है यहाँ पे इस चीजों को लिख भी दिए हैं गाइस, इसका जो है आप लोग को गूगल में भी मिल जाएगा, ठीक है, फुल ब्रिज रेक्टिफायर, बट यहाँ पे खुद से बनाया गया है मेरे द्वारा, तो यहाँ पे इन चीजों को मैं आप लोगों को साफ दिखा रहे देते हैं, ठीक है, किस तरह से दिखता है। यहाँ पे देखिए एसी सप्लाई, आइए क्या है, फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे नीचे में भी कुछ है, देख लीजिए ये क्या है, रिजल्टेंट आउटपुट वेव फॉर्म किस तरह से शो होगा, वो चीज यहाँ पे दिखाया गया है, जहाँ की ये क्या है, रिपल्स है, और इन रिपल्स को आउट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, कैपेसिटर्स का यूज करते हैं। तो गाइज इसको आप लोग बना सकते हैं, ठीक है, बस लाइन दो ड्रॉ कर दीजिएगा, और फिर डॉटेड के फॉर्म में इस तरह से आप लोग को बस बना देना है, और यहाँ लिख देना है रिपल, ठीक है, रिपल यहाँ लिखना होगा 0, ठीक है, भी, और यहाँ हो जाएगा भी डीसी, और इसको दिखा देना होगा, ये क्या हो गया आपका, वेव फॉर्म विदाउट कैपेसिटर, ठीक है, वेव फॉर्म विदाउट कैपेसिटर, समझ गए। और ये ऊपर वाला जो है, ये वाला पार्ट क्या है, वेव फॉर्म विथ कैपेसिटर, कैपेसिटर के रहते, और ये हो गया कैपेसिटर के नहीं रहते, ये हो गया आपका सी चार्जेस, ठीक है, और ये हो जाएगा सी डिस्चार्जेस, कैपेसिटर चार्ज, कैपेसिटर डिस्चार्ज, ठीक है। तो गाइज तो पीडीएफ में आप लोग को वैसे भी देखने को मिल जाएगा। चलिए गाइज हम लोग अगला क्वेश्चन पाते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 3 नंबर,
आपसे पूछा गया है स्केमेटिक डायग्राम ऑफ प्लेट अर्थिंग विद ऑल अरेंजमेंट्स एंड स्टैंडर्ड डायमेंशंस। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 15 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। तो गाइस यहाँ पे देख लीजिए, ये जो है आप लोग को स्केमेटिक डायग्राम जो है प्लेट अर्थिंग का, ये आप लोग को मिल जाएगा, गूगल में भी कीजिएगा सर्च तो ये प्लेट अर्थिंग मिल जाएगा। हालांकि इस चीज को देखिए, जब हमने ड्रॉ करा है जब, तो किस तरह का ड्रॉइंग हुआ, ठीक है। तो गाइज इस तरह से भी आप बनाते हैं, डायमेंशंस का ख्याल रखते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर अर्थिंग में जो है ना आपको डायमेंशंस देने होंगे, स्टैंडर्ड डायमेंशंस के साथ ये प्लेट बनाना है। जैसे कि यहाँ देखिए कितना है, 300 है, इधर भी क्या है 300, ठीक है, ऐसे से, और ऐसे ये लेंथ कितना है 300 है। उसके बाद यहाँ पे ये एक्चुअली ये जो फिगर है ना, ये आपका डायग्राम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन इससे आता ही आता है। बस इसमें देखिए कुछ है नहीं विशेष में, ठीक है, एक आपको क्या बनाना है यहाँ पे, इस तरह से बॉक्स बना देना है, ठीक है, यहाँ बॉक्स बना दीजिए सिंपल वे में, यहाँ इस तरह से बना दीजिए, देन यहाँ से एक लाइन खींचिए, ठीक है, ये पार्ट को छोड़ करके फिर एक यहाँ पे बॉक्स बना दीजिए, ठीक है, यहाँ पे एक प्लेट लगा देना है आप लोग को, सिंपल। बस आपको ख्याल किसका रखना है, 15, ये बॉक्स आपको 15 का बनाना है, यदि 90 का हो जाएगा, ये 15 सेंटीमीटर ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट 60 है, ये वाला पार्ट 90 है। अब इसको 90 देखिए, 90 का मतलब क्या हुआ, आपको 9 सेंटीमीटर है तो उसको 9 सेंटीमीटर लेके जाइएगा, तो आपका ड्राइंग सीट ऐसे बड़ा होता है, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं 9 सेंटीमीटर बड़ा कर सकते हैं, इतना बड़ा हो जाएगा आप लोग का, ठीक है, इसको इतना बड़ा बनाया जा सकता है। तो डायमेंशन लेके चलिएगा, और डायमेंशन यदि चेंज करते हैं तो रेशियो लिख दीजिएगा स्केल में, जो भी होगा 2:1 करके छोटा कर सकते हैं, या 1:2 कर सकते हैं, छोटा हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे कुछ है नहीं, बस सिंपल आपको इसका डायग्राम जो है ध्यान में रखना है और इसको आप लोग को करना है, ठीक है, एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और इसमें और ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं, और जो कि है 4 नंबर, जहां की कोई 2 क्वेश्चन आप लोगों को फ्री हैंड ड्राइंग करना था, फ्री हैंड ड्राइंग देता ही देता है कोई 2, या तो स्टेयर केस, या फिर मर्करी वेपर लैंप, या फिर एलटी साइकिल इंसुलेटर, इन तीनों में से जो है आपको कोई 2 बनाने थे। तो गाइस स्टेयर केस वायरिंग तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बहुत ही आसान भी है, सिंपल कुछ नहीं है, एक लाइन आप लोग इस तरह से ड्रॉ कीजिए, इधर से ये हो गया न्यूट्रल, ये हो गया फेज, ठीक है, सिंपल, बस ये लाइन कहाँ चल जाएगा ऊपर, इस किसके साथ घूम गया, एक बल्ब के साथ, ठीक है, बल्ब के साथ इसको लगा दिए, देन यहाँ इसको नीचे लाए। अब देखिए यहाँ पे 2-way जो है स्विच लगाया गया है, ठीक है ना, यहाँ पे 2-way स्विच लगाया गया है, जहाँ की ये 3 पॉइंट्स है, इधर से जो है आपका ये स्विच आकर किसमें लग गया, ये वाला पॉइंट इधर हो गया, देन ये वाले के साथ ये कनेक्शन यहाँ पे दे दिए, और ये जो एक दूसरा पॉइंट है उसको, इसका कनेक्शन इसके साथ यहाँ लगा दिए, ये वाला पार्ट को इसके साथ कनेक्शन कर दिए, ठीक है। तो एक जगह से 2 जो है आप लोग, मतलब अलग अलग से स्विच से, एक ही स्विच से 2 अलग जगह का आप लोग जो है ऑपरेट कर सकते हैं, ये जो है आप लोग का हो गया स्टेयर केस वायरिंग, ठीक है, स्टेयर केस वायरिंग ये हो गया, समझ गया। स्क्रीनशॉट लेकर के एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा ध्यान से, बस जैसे मैंने आप बताया है, और कुछ नहीं करना है इसमें। मर्करी वेपर लैंप गाइस कुछ नहीं है, बेहद आसान है, ठीक है, थोड़ा लगता है बट कुछ है नहीं। देखिए यहाँ पे आपको कुछ नहीं, यहाँ पे आपको लग रहा है कि गोल गोल क्यों करे, तो ठीक है आप स्क्वायर में कर लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, इसको बस हम लोग इस तरह से थोड़ा 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 कर देंगे, ठीक है। फ्री हैंड का मतलब ये नहीं होता है कि आपको इस तरह का जैसे यहाँ फिगर दिख रहा है वैसे वही बनाइए, ये तो आप लोगों को वीडियो के माध्यम से समझाया जा रहा है, इस वजह से थोड़ा बहुत ज्यादा इन चीजों को जो है अच्छे से दिखाने के लिए पिक्चर्स डाले गए हैं, बुक्स के पिक्चर हैं, बट इसको आप रियल में यदि बनाएगा कोई तो देखिए आप लोगों को भी दिखा देते हैं, मैंने दोनों फिगर बनाया है, दिखा देते हैं आपको गाइस। तो देख सकते हैं स्टेयर केस का जो है कुछ इस तरह से हमने इसको बनाया था, तो इसमें भी जो है आपको नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपने जो है ड्राइंग को प्रॉपरली बनाया है, साफ सुथरा जो है इसको बनाया गया है। अब यदि बात करें यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ देख लीजिए गाइस ये वाला जो क्वेश्चन है, तो मर्करी वेपर लैंप गाइस देखिए ये बुक का इस तरह का है, इसको रियल में जब इस तरह से आप ड्रॉइंग कीजिएगा तो कुछ इस तरह का, इसमें बहुत ज्यादा साफ सफाई का भी ख्याल रखा गया है, सिंपल देखिए यहाँ एक लाइन ड्रॉ किया गया है इस तरह से, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, और एक लाइन इस तरह से ड्रॉ किया गया, इसको उठा के थोड़ा सा इसे ड्रॉ कर दीजिएगा, ठीक है, और फिर इस पॉइंट पे आ करके आपको इस तरह से थोड़ा सा कर्व करना है, और फिर इस जगह में आप लोग को एक आयत टाइप का रूप दे देना है, फिर यहाँ पे भी एक जो है आयत टाइप का रूप दे करके इस वायर को इस तरह से घुमा दीजिए, और इसको जो है ये पार्ट को यहाँ कवर कर देना है, ये आपका बाहरी पार्ट है कवर, ठीक है,
और यहां से देखिए ये जो है इसके साथ मिल जाएगा, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे सिंपल वे में आप लोग को कर लेना है इस टाइप से, और बस आपको इस चीज का ख्याल रखना है कि ये जो आप ये लिख रहे हैं ना, जो मार्किंग कर रहे हैं मतलब कि नेमिंग कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इस पे नंबर रहता है और फिगर तो फ्री हैंड है तो थोड़ा बहुत 19-20 होगा ही, इस तरह से परफेक्ट तो दिखेगा नहीं, ठीक है। तो गाइज ये आप लोग को समझ में आ गया कि ये किस तरह से बनेगा, है ना, नियॉन मर्करी पेपर लैम्प। चलिए गाइज अब अगला हम लोग बात कर ले जो कि है आपका एलटी साइकिल इंसुलेटर, ठीक है। एलटी साइकिल इंसुलेटर गाइज ये हो गया आपका 4 का सी का आंसर, ये था आपका 4 का बी, ये था 4 का ए। तो साइकिल इंसुलेटर सिंपल है गाइज, इस तरह से आप लोग पोल वगैरह में देखे होंगे, बस सिंपल इस तरह से आपको ड्रॉ करना है यहाँ पे, और ये पोल का पार्ट है जो कि इसको फिक्स किए हुए है, और इस तरह से ड्रॉ कर लें। दो चार बार आपको प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग थोड़ा सा तो टफ माना जाता है क्योंकि यहाँ पे जो है डायग्राम्स बहुत सारे हैं, प्लस आपको जो है यहाँ प्रैक्टिस बहुत ज्यादा मांगता है ये, और आईटीआई में खासकर लड़के जो है उतना प्रैक्टिस तो करते नहीं है, बट बहुत सारे बच्चे हैं जो कि निरंतर जो है प्रैक्टिस भी करते हैं, ऐसा बात नहीं है। बस देख रहे होंगे आप कि किस तरह से यहाँ सिम्बॉल को मैंने ड्रॉ किया, ठीक है। तो लग रहा होगा कि सर आप तो फिर ओवर राइट कर दे रहे हैं, बट इसको आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करना होगा, देख करके 2-3 बार आपको, 4 बार 5 बार इसको आपको प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है, क्योंकि और कोई विकल्प नहीं है अभी फिलहाल, क्योंकि इन चीजों को आपको करना है। देखिए गाइस ये जो मैं आपको बताया हूँ, इन तीनों में से मे भी चांसेस है कि 1-2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएगा। आज का जो वीडियो था इसमें हम लोगों ने सारा क्वेश्चन जो है रन कर लिया है, और इसमें मोर और लेस जो है कुछ क्वेश्चन तो निश्चित ही देखने को मिलेंगे गाइज। तो आई होप कि आप लोग को ये चीजें जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो गाइज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ देखिए सभी प्रकार के ऑल अपडेट्स जो है यहाँ पर आपको आईटीएस जो भी दी जाती है, क्लासेस जो है इसमें दिए जाते हैं। तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, दोस्तों को जरूर वीडियो तक शेयर कीजिएगा, और अगला वीडियो भी आप लोग पे, आप लोग का जो ये इंजीनियरिंग ड्रॉइंग का है उस पर भी रहेगा। तो गाइज चलिए मिलते हैं फिर कोई न्यू अपडेट या फिर क्लासेस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।